ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके ये प्रश्न मुझे आप कमेंट्स में करते हैं। सबसे पहला कि हम पंडित जी कौन सा रत्न धारण करें, दूसरा प्रश्न कि हमारे भगवान कौन है, हमारे इष्ट देव कौन है, और तीसरा प्रश्न जो अक्सर आप पूछते हैं कि हमारा गुरु मंत्र क्या है। इन तीनों प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। और एक और बात है कि दोस्तों, इन तीनों प्रश्नों का जवाब मिलना तो आपके लिए बड़ी बात है, लेकिन अगर इन तीनों प्रश्नों के जवाब के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हद तक अपने जीवन में कई सारी परेशानियों में छुटकारा मिल सकता है, मन शांति मिलेगी, और इसके साथ आर्थिक लाभ और जो भी डिस्टर्बेंस हमारे लाइफ में चल रहे हैं उन सभी सिचुएशनों से आप बाहर आ जाएंगे। सबसे पहली बात करें कि हमारा इष्ट देव कौन है। इष्ट देव में सबसे मुख्यतः होता है, बचपन से एक व्यक्ति को किसी न किसी भगवान से बहुत लगाव होता है। बहुत से लोगों को कान्हा जी से लगाव होता है, बहुत से लोगों को भोलेनाथ से लगाव होता है, बहुत से लोगों को हनुमान जी से लगाव होता है। तो आप ज़रूर कमेंट्स बताएं कि आपको किन से बहुत लगाव है। मैं जानना चाहता हूं दोस्तों कि आपको सबसे ज़्यादा लगाव किन से है। तो आपका जिनसे भी बहुत लगाव हो, बहुत आप उनके नाम के बिना या उनके दर्शन के बिना आप बेचैन लगते हैं, वही आपके इष्टदेव है, वही आपकी आत्मा की आवाज़ है और वही आपकी इष्टदेव है दोस्तों। तो इष्टदेव में ऐसा पर्टिकुलर आप न जाए कि ये है वो है, जो बचपन से आपको सबसे प्रिय हो। अगर नहीं है तो सबसे सरल शिव जी को अपना इष्ट मान लें दोस्तों। दूसरी बात है कि अब इष्टदेव तो हमें पता लग गया, हमें रत्न कौन सा पहनना चाहिए जिससे हमें बहुत उन्नति हो, जिससे हमें कई सारे लाभ हो और जीवन में हम तरक्की तक जाएं। मैं इस प्रश्न का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि आप वीडियो को यहाँ तक सुनते आए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, जो भी लिखना हो। और अगर आप किसी तनाव, किसी डिप्रेशन या कोई परेशानी से अभी गुजर रहे हैं कि जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो एक बार ज़रूर आप स्क्रीन पर नंबर मेरे चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करें, उसका फीस लागू दोस्तों। सकारात्मक चर्चा है और आपको जो भी परेशानी होगी उसमें कैसे हम बाहर निकलें वो रास्ते पर बात करेंगे। अब आती है कौन सा रत्न पहने। रत्न के चूंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं निजी तौर पर भी किसी भी व्यक्ति को ये राय देता हूँ कि कोई भी रत्न आप ना पहने, क्योंकि रत्नों के पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। हाँ, बेशक अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं इतने सारे पैसे तो वो आप कर सके, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। तो अगर वो आप करना चाहते तो किसी एक अच्छे ज्योतिषी से, रत्न ज्योतिषी से आप अपना परामर्श लें और उसके बाद पहने। लेकिन मैं अपने निजी तौर पर आपको कह रहा हूँ कि रत्नों के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। रत्न की बजाय मैं आपको तीसरा जो उत्तर है कि आपका गुरु मंत्र जो है वो आपको मिलने वाला है, और शायद ये उस परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। गुरु मंत्र जो है, अगर कोई है आपके पास तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो ओम नमः शिवाय को अपना गुरु मंत्र मान लें। ओम नमः शिवाय को गुरु मंत्र मानकर ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, उसमें रत्न से भी ज़्यादा शक्ति है दोस्तों। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। आप मौन होकर मंत्र करें, अपने मन में बस जप चलने दें, आपको उसके फायदे 8 दिन 10 दिन और 12 दिन में दिखाई देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।